आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम। ये मास्क मैंने वैसे ही शोशा लगाने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन ये बॉक्स अभी अभी आया है, इसको मैंने सैनिटाइज नहीं किया, इसलिए मास्क पहन के इसको खोल रहा हूँ, ऐसे ना हो इसमें से कोरोना वायरस निकल आए। ये हमारा नया बंदा है जो हमारा साथ देगा आगे ऐसी वीडियोस में। इसका नाम चमन है, फर्स्ट नेम चमन है, सेकंड आप खुद ही इसको चूज कर दें। लेकिन ये माशरे का वो बंदा है कि अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही हो तो ये पहुंच जाता है उंगली करने। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस बॉक्स में क्या है। ये DJI का लेटेस्ट नया ड्रोन है, Mavic Air 2 Fly More Combo Ultra HD। अनबॉक्स वीडियो क्विकली बनाएंगे, इसका फ्लाइट टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये ड्रोन क्यों ख़रीदा, क्या वजह है, क्यों इसे बेस्ट ड्रोन ऑफ 2020 कहा जाता है। तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। पहले मैं इस बॉक्स खोल चुका हूँ, आपके सामने मैं फेक एक्टिंग करूँगा कि जैसे मुझे बड़ी खुशी है, फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ। स्मूथ। ओके, ये बॉक्स जैसे ही आप ओपन करते हैं, इसके अंदर एक और बैग है, इसको फिलहाल रखते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा है, ये ब्लैक बॉक्स, इसको भी साइड पर रखते हैं। इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। प्रोपेलर्स, मैनुअल और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, और इसमें कुछ भी नहीं है। आते हैं इस बैग की तरफ जिसमें मेन सामान है। अगर आप कॉम्बो ऑर्डर करेंगे तो सिर्फ उसके साथ ये बैग आता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसके अंदर मैं आपको मेंशन करूँगा कि ये चीज़ें कॉम्बो के अंदर आती है, और ये चीज़ें सिर्फ सिंपल ड्रोन के साथ आती है। प्राइस डिफरेंस इतना नहीं है, लेकिन चीज रात को कौन ट्रैक्टर ले आया इधर, जाके देख रिकॉर्ड में, पाकिस्तान का सबसे पहला अनबॉक्सिंग है। अब इस बैग को ओपन करते हैं। ओके, ये एयरक्राफ्ट जो मेरे ख्याल से मैविक प्रो का छोटा बच्चा है, उसकी शेप का है, क्योंकि मैविक एयर जो 1 है ये 2 है, मैविक एयर 2 है। तो मैविक एयर 1 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इसका डिज़ाइन, और इसका डिज़ाइन ज़्यादातर मैविक प्रो से मिलता है, तो इसलिए इसको लोग मैविक प्रो का नाजायज़ बच्चा कहते हैं, मतलब मैविक एयर और मैविक। ओके, ये इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसको हम अभी खोलेंगे, और साथ में ये रिमोट कंट्रोल है, केबल है, ये कुछ केबल्स हैं, ये और केबल्स हैं, डाटा केबल है, वो रिमोट वाली केबल है, ये भी कुछ है, हम अभी आपके सामने ओपन करेंगे। ये और ये बैग है, इस बैग को हम साइड पर रखते हैं, लेकिन इस बैग की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, ट्रैवलिंग बैग है, आपका सारा का सारा सामान इसमें आ जाता है, और मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। एक बैटरी नहीं, दो बैटरी, एक इसमें और एक ड्रोन में लगी हुई है। ये है इन तीन बैटरीज को चार्ज करने का चार्जर। फिल्म मेकिंग में मेरे रूल ऑफ 3 है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो तीन बैटरीज चार्ज करने वाला चार्जर, अगर आपके पास GoPro है तो तीन बैटरीज और तीनों बैटरीज को एक साथ चार्ज करने वाला चार्जर, कैमरा है तो तीन बैटरीज और तीनों बैटरीज को एक साथ चार्ज करने वाला चार्जर। एक बैटरी फंस गई है इसके अंदर, सो दिस इज़ बैटरी नंबर 3। ये DJI का लेटेस्ट रिमोट है जो अभी मेरे ख्याल से Mavic Air 1 अगर किसी ने यूज़ किया उसमें वो मोबाइल नीचे लगता है, इसमें मोबाइल ऊपर लगता है, ऐसे इसको आप ऊपर करते हैं तो आपकी मोबाइल की विड्थ के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाता है,
और ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि नीचे वाले से मैं बहुत तंग होता था, वो आप नीचे देख रहे होते हैं और ऊपर ड्रोन उड़ा रहे होते हैं और फिर नीचे देखते, इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सो ये रिमोट है और इधर इसके वो जॉयस्टिक्स हैं जो इधर हाइड होते हैं, आप निकाल के इधर लगाते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं। सो दिस इज रिमोट। ये जो है ये आपकी ड्रोन की बैटरी को पावर बैंक में कन्वर्ट कर लेता है और फिर आप इससे मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो में मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा आता है। ये एक डाटा केबल है सी टाइप, प्रोपेलर। ये ड्रोन की बैटरीज है। इस ड्रोन की बैटरी जो है, इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और अगर आपके पास तीन बैटरीज है तो तकरीबन एक आवर से ज़्यादा फ्लाइट टाइम आपके पास होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मेरे लिए एनफ है। ये बैटरी नंबर टू। ये एक्स्ट्रा जॉयस्टिक है रिमोट के साथ। ये सिंपल में भी आते हैं, कॉम्बो में भी आते हैं। ये प्रोपेलर भी एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से सिंपल में आते हैं। ये दो बैटरीज सिंपल में नहीं होती, ये नहीं होता। और ये एंटी फिल्टर का बॉक्स, इस पैकेज में जो सबसे क्यूट बॉक्स मुझे लगा है वो ये है। ये देखें, बहुत प्यारा है। इसको आप ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर तीन एंटी फिल्टर्स हैं। और एंटी फिल्टर्स का अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं या मैं आपको बता सकता हूँ। बेसिकली अगर ज़्यादा कंट्रास्ट सिचुएशन हो, सूरज काफ़ी तेज़ हो, तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। ये वो चार्जिंग के अडैप्टर के साथ जो केबल आती है, ये वो तीन बैटरीज है, इसमें आप ऐसे बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे वो चार्जर कनेक्ट करके तीनों एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तो आपका टाइम बच जाता है। आज की वीडियो में हमने जस्ट अनबॉक्स करना था और इसको जो टेस्ट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यही ड्रोन हमने क्यों लिया, क्यों इसे 2020 या अब तक का DJI का सबसे बेस्ट ड्रोन टॉपिक चल रहा है, कहा जाता है, और मैंने इसको क्यों लिया, क्या वजह थी, कैमरा में क्या अपडेट्स आई हैं, सेंसर्स में क्या अपडेट्स आई हैं, DJI खुद क्यों क्लेम कर रहा है कि ये उनका सबसे स्मार्ट ड्रोन है, ये सारी चीज़ें, और इसको रेडी टू फ्लाइट कैसे करते हैं, इसके रिजल्ट्स और कैमरा में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, तो रियल टाइम आपको मैं टेस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। कंप्लीट डिटेल वीडियो इंशाल्लाह इसकी बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। आज इसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग करनी थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।